पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इन दोनों मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचाने को लेकर बेहतर प्रयास कर रहा है। वहीं नया मुरादाबाद को एक स्मार्ट क्षेत्र बनाने के लिए भरपूर प्रयास भी हो रहे हैं। नए मार्गों की स्थापना के साथ साथ नई टाउनशिप और नए पार्कों की सुविधा देने के साथ अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कटिबद्ध नजर आ रहा है। तो वहीं जनमानस की सेवा की ओर भी कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए इन दिनों मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर ठंडे शरबत के लिए एक कैंप की शुरुआत की गई है, जहां राहगीरों के साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ठंडा पानी और शरबत का वितरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस ठंडे शरबत और पानी के शिविर का शुभारंभ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा किया गया है। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी और कर्मचारी भारी संख्या में मौजूद रहे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना था कि दिन पे दिन लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस बढ़ती गर्मी से राहत मिले। स्वास्थ्य विभाग के भी दिशा निर्देश हैं कि समय समय पर पानी पीते रहें और धूप से बचने का प्रयास करें। काफी ज्यादा गर्मी का मौसम है और आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसको देखते हुए राहगीरों की सुविधा के लिए हमारे जो कर्मचारी साथीगण हैं उनके द्वारा अपने इनिशिएटिव से यहाँ पर जल सेवा का निशुल्क जल सेवा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी के सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है ठंडा पानी, घड़े का पानी, उसको जो है मीठा पानी बना करके लोगों को पिलाया जा रहा है और ये हमारी जो सुविधा है हमारे कर्मचारियों की ओर से है और प्राधिकरण इसमें अपना योगदान दे रहा है। तो मैं इसी अवसर पर आज उपस्थित हुआ हूँ और इस जब तक गर्मी का मौसम चलेगा इस सुविधा को हम लोग लगातार अनुभव जन करें। सबसे अपील है कि इस समय गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, थोड़ा सा एहतियात बरतें और अपने आप को जो है अधिक से अधिक पानी पिएं और गर्मी से बचाव करें, जिससे कि जो है आप स्वस्थ रहें और जो है अपने जो रेगुलर काम हैं उनका नियमित रूप से निष्पादन करते रहें। बिना किसी जरूरी कार्य के अनावश्यक जो है धूप में ना निकलें। इस समय मौसम विभाग के द्वारा भी ग्रीष्म जो ऋतु है उसकी हीट वेव की जो है वार्निंग जारी की गई है उसका ध्यान रखें। अत्यंत भीषण गर्मी होने के कारण मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इतनी बड़ी इतनी विकट गर्मी में 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग घर में अपने कार्यों के व्यतीत बाहर निकलते हैं, उनको तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, भीषण गर्मी, हीट स्ट्रोक आदि। तो जल एक ऐसा संसाधन है कि जल पी के आदमी को तरावट मिलती है, तो ये दिमाग में आया कि जल सेवा प्रारंभ की जाए। तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन द्वारा जल सेवा आज परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के उपस्थिति में आज प्रारंभ की गई है और ये ग्रीष्मकालीन तक ये आगे तक जारी रहेगी। इसमें लोगों की और आज शरबत वितरण किया गया है, शरबत वितरण किया गया है और कर्मचारियों का हौसला अफजाई और कर्मचारियों का जोश देखने को मिलता है। सारे कर्मचारियों ने एकजुट होकर यहाँ पे जल सेवा में भाग लिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।